अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक रानीज़ किचन। कैसे आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। अल्लाह ताला से ही दुआ करते आप लोग खुश रहे, आबाद रहे। आज हम चावल का पाउडर और सूजी से एक नाश्ता बनाएंगे। यहाँ पर मैंने एक कप चावल का पाउडर डाल दिया, एक कप हमने सूजी लिया। अच्छा से मिलाएंगे, थोड़ा सा गर्म पानी हम डाल के मिला देंगे। 10 मिनट हम इसको ऐसे ही रेस्ट होने देंगे। यहाँ पर मैं एक जार ले लिया, थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा हरा मटर डाल दूँगी, हरा मिर्ची 3, थोड़ा सा अदरक और ये वाला जो पेस्ट हमने बना के रखा इसको भी इसमें डाल के हम एक बार चला लेते हैं मिक्सी। अच्छा से पीस लूँगी दरदरा सा, थोड़ा सा 2 चम्मच पानी डाल के मैं इसको अच्छा से दरदरा सा पीस लेती हूँ। मैंने पीस लिया अच्छा से, फाइन पेस्ट नहीं हुआ, महीन नहीं हुआ है, थोड़ा सा दरदरा हुआ है। तो अब इसी बॉल में मैं डाल दूँगी, थोड़ा सा पानी इसमें डाल के मैं धो के इसमें डाल दूँगी। बहुत ही कम पानी लिया मैंने, तो अभी फिर से 10 मिनट मैं ऐसे ही रख दूँगी। यहाँ पर मैंने स्टैंड ले लिया इडली का, थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ इसमें। मैंने फिर से डो ले लिया, 10 मिनट हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दिया, स्वाद अनुसार नमक अच्छा से मिला देंगे। अब मैं इडली वाला बर्तन में थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी, पूरा भर के नहीं डालूँगी, थोड़ा सा खाली रखूँगी। इस तरह मैंने पूरा भर लिया। अब चलिए गैस की ओर। मैंने एक पतीला रख दिया, थोड़ा सा पानी डाल के इसमें स्टैंड डाल दिया। अब इसको ढक के 15 मिनट तक पकाऊंगी। 15 मिनट के बाद मैं आई हूँ देखने के लिए। मैं चेक करती हूँ पूरा क्लीन है, तो मैं ठंडा करके आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे लगा ये नाश्ता। एकदम हरा हरा मटर सूजी का नाश्ता बहुत ही टेस्टी होता है। बच्चों को टिफिन में दे सकती हो, सुबह शाम नाश्ता में खा सकती हो। कैसा लगा ये रेसिपी? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद रखना। फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। बहुत ही टेस्टी होती है ये।